फ्रेंड आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा बहुत ही इजी और आसान तरीके से। तो हमारी ये 1 किलो के करीब में गाजर हैं, तो गाजर को इस तरीके से हम ऊपर से छील लेंगे, इस तरीके से सारे रेशे ऊपर के हटा देंगे, फिर अच्छे से धो के फिर हम इनको कद्दूकस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे रेशे इसके हट गए हैं, और इसे जो है कद्दूकस करेंगे धो के अच्छे से प्रेस करके। ये जो हमने जो इसके रेशे निकाल के अच्छे से प्रेस कर लिए हैं, धो लिए हैं, अब हम इसको जो है कद्दूकस करेंगे। तो आप इस कद्दूकस से भी कर सकते हैं, और इस वाले कद्दूकस से कर, इससे थोड़ा बहुत बारीक होगी, इससे थोड़ा जो है इसका मीडियम का साइज होगा। तो इस तरीके से सारी गाजरों को हमें कद्दूकस कर लेना है। तरीके से कद्दूकस करना है सारी गाजरों को। अब हम सारी गाजरों को कद्दूकस कर लेते हैं। जब तक हम गाजर कद्दूकस करेंगे तो तब तक हम इस पैन एक कढ़ाई रख दी है गैस पे, और जो है अब इसमें हम 1 लीटर के करीब में दूध डालेंगे। तब तक हमारा दूध अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगी, फिर हम इसमें गाजर डालेंगे। इधर तब तक दूध पकेगा, उधर हम तब तक कद्दूकस कर लेंगे गाजरों को। मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। ये जो है हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसी में ऐड कर लेंगे गाजर, और इसे हम चलाते हुए इसे जब तक पकाएंगे तब तक एकदम मिक्स ना हो जाए। देखिए फ्रेंड इतना मस्त हलवा बन के रेडी होगा कि आपने कभी नहीं ऐसा हलवा खाया होगा। अब हम इसे हाई गैस पे पकाएंगे। फ्रेंड देखिए, ये देखिए दूध में अच्छे से खोल रहा है और उबाल भी अच्छे से आ रहा है। इसे हमें चलाते ही रहना है जिससे ये अच्छे से मिक्स होता रहे और गलता रहे इसी में। तो फ्रेंड अब देखिए इस तरह का हलवा हो चुका है ये हमारा, और थोड़ा और पकाएंगे इसे हम। 10-15 मिनट पकाने में लग जाता है, लेकिन इसे चलाते हुए पकाना है। और फ्रेंड ये दानेदार हलवा बन के रेडी होने वाला है, क्योंकि बिना मोहन के दानेदार हलवा नहीं बनता है। लेकिन आज हम दानेदार बिना मोहन के हलवा बनाएंगे, क्योंकि तो बहुत टेस्टी बनने वाला है। और इस तरीके का हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा। आज चलिए इस तरीके का हलवा बना के आपको दिखाते हैं। अच्छे से मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है, और ये अच्छे से जो है एक में गाजर और दूध मिल जाएगा। अभी देखना थोड़ी देर बाद ये अच्छे से पूरा मिल जाएगा। इतना अच्छा उबाल आ रहा है इसमें, ये देखिए। जब तक हमारा हलवा इधर खोलेगा तब तक हम कुछ किशमिश वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं काजू बादाम, किशमिश को अच्छे से बारीक बारीक काट देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। दो सारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने हलवे के हिसाब से डालिएगा, कितनी आपका हलवे का मटेरियल हो। और अब हम इसे भी अच्छे से 10-5 मिनट के लिए पकाएंगे। चलाते हुए पकाना है, बहुत अच्छा टेस्टी हलवा बन के तैयार होगा, बिना मावन के दानेदार हलवा। इस तरीके से चलाते ही रहना, इससे ये और दानेदार बनता रहेगा और बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। अच्छे से फटने लगी है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने काजू मिश्री बादाम कुछ भी डाले थे, हरी हमें ऐड कर देंगे। सभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे, और अभी इसे पकाते रहेंगे जब तक कि खुला नहीं बचेगा, क्योंकि अभी पानी अच्छे से पकनी है हमारी।
मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, हमें 1-1.5 चम्मच के करीब घी डालना है। अब हम बच्चे हुए कुछ इसमें से वगैरह थोड़ा ऊपर से डाल देंगे। देखिए हलवा बन के रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है इस हलवा में। आपने हलवा तो बहुत बनाया होगा, बट इस तरीके से हलवा एक बार बना के खाइए तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे हलवा, टाइम भी नहीं बचेगा। हो या तो फिर अगर उबालो फिर हलवा बनाओ, उससे अच्छा है डायरेक्ट बनाइए और मस्त हलवा बन के रेडी होगा। इसमें हमने कोई मावा नहीं लगाया, अभी दानेदार हलवा बन के देखिए रेडी हो चुका है। चीनी डालने के बाद सिर्फ 10 मिनट तक पका लिए हैं, अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। हलवा बन के रेडी हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दानेदार हलवा बन के रेडी हो गया बिना खोए के फटाफट। मस्त टेस्टी हलवा बन के रेडी हो गया 10 मिनट के अंदर अंदर। दानेदार सर आ जाए तो भेज दो दोस्तों।